नमस्कार, सिटी पोस्ट के इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं विनय कुमार आपके साथ। आज इस तरीके से चमकी और हीट वेव से जो मौतें हुई है उसको लेके एक कैंडल मार्च निकाला गया है। आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से किस तरीके का यहाँ पे माहौल है। हमारे साथ प्रेमचंद मिश्रा जी हैं, उनसे बात करते हैं। सर, जो किस लिए जो मार्च निकाला गया है विस्तारित रूप से आप बताइए इसको। ये मुजफ्फरपुर का इशू है, 100 से ऊपर बच्चों की मौत हो गई। बिहार सरकार की टोटल विफलता है। हर साल होना है, इसी महीने होना है, तो इसके इंतजाम क्यों नहीं किए जाते? तो यह टोटल नीतीश कुमार सरकार की विफलताओं का परिणाम है और मैं समझता हूं इसकी जिम्मेदारी उनको लेनी चाहिए। और इन तमाम मौतों के जिम्मेदार कोई है? बिहार सरकार है, उसकी व्यवस्था है, नीतीश कुमार है, उन्हें अपने पद से इस्तीफा करना। कहीं ना कहीं सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार इतने दिनों के बाद मुख्यमंत्री पहुंचे, 15 से 20 दिन क्यों लगे? वो इंतजार कर रहे थे कि 100 से ऊपर जब स्कोर जाएगा बच्चों की मौत का, तब जाएंगे। उनके लिए 100 बच्चों की मौत के बाद ही उसका महत्व रखा होगा। यही तो शर्म की बात है कि मुख्यमंत्री को मुजफ्फरपुर जाने में 17 दिन लग गए, लेकिन जेडीयू के संगठन विस्तार के लिए वो दोबारा दिल्ली हो आए, ये कौन सी बात? सर, अगर ये बात करें, स्वास्थ्य मंत्री क्रिकेट का स्कोर पूछ रहे कहीं ना कहीं, और जो राज्य मंत्री है स्वास्थ्य, नहीं नहीं, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने 5 साल पहले जो बयान दिया कि 100 बेड का ICU बनाएंगे, वही बयान फिर 5 साल के बाद आके दिया। तो आप क्या बिहार की जनता को इतना मूर्ख समझ रहे हैं? दुख होता है कि ऐसे लोगों को जनता वोट देके सत्ता में बिठाई है जिसे लोगों की जान माल की कोई चिंता नहीं है। असल कल्प्रिट कोई है तो हर्षवर्धन है। अगर उसने पाँच साल पहले कहे हुए अपने वादे को पूरा किया होता तो आज कुछ चिकित्सा व्यवस्था तो नजर आती वहाँ। इस कैंडल मार्च के माध्यम क्या बोलना चाहेंगे सर? हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सरकार अपने कार्य प्रणाली में सुधार लाए, सरकार वहाँ इस बात को फाइंड आउट करे कि रूट कॉज क्या है, असल समस्या क्यों है, हर साल क्यों होता है। क्या हम ये मान लें कि हमारी नियति है हमारे बच्चे हर साल मरेंगे? इससे बड़ी अफसोस की बात नहीं हो सकती। तो ये थे हमारे साथ प्रेमचंद मिश्रा जी, जिनका साफ तौर पे करना है जो व्यवस्था है बिहार की, कहीं ना कहीं उस पर सुधार लाया जाए। और कहीं ना कहीं ये सवाल पे सीधा सवाल कर रहे हैं, खड़े कर रहे हैं। प्रेमचंद मिश्रा जी हमारे साथ थे। आज कांग्रेस की तरफ से एक कैंडल मार्च निकाला गया था, जिस तरीके से मैंने आपको दिखाया कि सीधा सवाल खड़े कर रहे हैं सरकार पे। कैमरा पर्सन कृष्णा सभी के साथ अभिनव कुमार पटना। यहाँ पड़ती है भविष्य की मजबूत नींव, हम मिलकर बनाते हैं बेहतर कल। गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी, आपके बेहतर कल के लिए। NSIT निखारता है आपकी प्रतिभा को। NSIT, a place to imagine, invent and inspire. NSIT, अम्हारा बिहटा पटना।